कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पॉइंट नंबर वन, लेंस एक की जगह लेंस दो लगेंगे, सिंपल में एक लगता है, कंपाउंड में दो लगेंगे। पॉइंट नंबर टू, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास पड़ा होगा उसका नाम है ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आंख के पास पड़ा होगा उसका साइज याद रखना बड़ा होगा, बराबर नहीं बनाना, वो छोटा और ये बड़ा ही बनाना है, और इसको बोलते हैं आई लेंस या इसको बोलते हैं आई पीस, आई पीस ऑब्जेक्टिव। तो मैं न्यूमेरिकल में टर्म यूज करेगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 10, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5, तो मतलब ऑब्जेक्टिव और आई पीस का मतलब समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, आप एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, आप इस ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है एफ ओ, तो आप इसकी जो फोकल लेंथ है एफ ओ, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकल लेंथ के लेफ्ट पे रखेंगे ए बी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ठीक। तो आप इसके ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के लेफ्ट पे रखेंगे, राइट पे बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि इमेज रियल बने और रियल के लिए ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए, मार्किंग इंपॉर्टेंट है। फिर एक रे सीधी और ये इमेज यहां बनेगी, ये इसकी इमेज बन गई। तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना है यू ओ, और इसके लिए ये इमेज है तो ये डिस्टेंस कितना है वी ओ, यू ओ वी ओ, ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये फर्दर क्या बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा और बड़ी इमेज बनाएगा। तो इसके लिए अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप यहां पे इमेज बनाएंगे तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ और लेंस के बीच में कहीं होना चाहिए ताकि वर्चुअल इमेज बने, अगर ना हुआ तो रियल इमेज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान से इसकी मार्किंग यहां पर एफ ही करनी है, इस के इस तरफ ही करनी है। तो इस केस में ये इसे ऑब्जेक्ट मानेगा और इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो ए डबल डैश बी डबल डैश क्या आएगा, इसकी फाइनल इमेज। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से क्या होगी यू ई, ई मीन्स आई पीस, और इससे इमेज की दूरी क्या होगी वी ई, यू ई वी ई। पर मैं ये चाहता हूं नॉर्मल आई के लिए ये जो फाइनल इमेज बने वो मेरे नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे बने, तो वी की जगह कई बुक्स क्या पुट करती हैं डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। तो आप इसको वी भी कर सकते हैं, इसको डी भी कर सकते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आया यहाँ तक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज ने आई पीस पे एंगल क्या बनाया बीटा, तो इमेज का एंगल है बीटा, ऑब्जेक्ट तो मेरा वो पड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट के साइज का यहाँ पे कटिंग कर लो, कंस्ट्रक्शन है, और एंगल सबटेंड करो एल्फा। तो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया एल्फा, इमेज ने एंगल बनाया बीटा। तो ये आपके पास इसका डायग्राम है। तो इसके अंदर जब ये डायग्राम बनाने को आएगा तो आप सीधा ना ड्रॉ करें, मेरे हिसाब से आप ऐसे ड्रॉ करें, आप पहले एक इसके अंदर एक लेंस लें ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस लें आई पीस का लेंस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लें, ये कटिंग करें एफ ओ दिखाएं, एफ ओ है यहाँ पे, और इसकी इमेज आपको मालूम है कि यही बनने वाली है, तो इमेज पहले से ही ड्रॉ कर लें, और इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट मानी जाएगी तो इसको पहले से ही एफ ई ड्रॉ कर लें, सही है। अब आप रे डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं कुछ ऐसे, ये रहा ये देखो, और ये कहाँ से पास करेगा, इसके एफ ओ से पास करेगा, तो बिल्कुल छोटे जगह में भी बहुत परफेक्ट डायग्राम बनने वाला है अगर आप पहले से ऐसे डिसाइड कर लें। अब आप ये डिसाइड कर लें कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो यहाँ कहीं ड्रॉ करेंगे, बड़ी इमेज है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके साथ कुछ इस तरीके से ये डायग्राम ऐसे यहाँ पे आई बना दें, ये बनाने की जो होती है आई लिख दें, बस पता लगे आंख बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई, तो आई लिख दें, ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे एक रे सीधा पास करें और इस तरीके से पास होती हुई इस रे को यहाँ मिलाएं, ठीक नहीं बना, थोड़ा सा इस इमेज को रबर से थोड़ा और बड़ा कर लें, चाहे ये थोड़ा और बड़ा कर लें ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके ऐसे मिले, ऐसे मिलनी चाहिए। तो ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से मैच करना चाहिए, और स्केल से बनाओगे तो सही आएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि आप इस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे, तो आप दो मिनट लें अपनी कॉपी के अंदर, प्लीज सारा डायग्राम रीड्रॉ करें। इस डायग्राम को ड्रॉ करें प्लीज, एक एक चीज मार्क करें, यू ओ वी ओ यू ई एफ ई, ताकि याद रहे आपको एग्जैक्टली क्या डायग्राम है।
अल्फा ए बी का एंगल होना चाहिए, पर हमने इसके साइज को यहाँ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया ए बी के इक्वलेंट, ताकि इमेज के ऊपर ही ऑब्जेक्ट बने और कंपैरिजन इजी हो जाए। फाइनल इमेज जो है वो ये है और फाइनल ऑब्जेक्ट ये माना जाएगा, फाइनल के साथ कर, बीच में इंटरमीडिएट में। इमेज बड़ी, हाँ बड़ी बनेगी इमेज तो, बड़ी बनानी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप है, छोटी तो वैसे नहीं बनानी। मेन बात है इसमें ना, ये ध्यान से देखो, एफ ओ कौन है, एफ ई क्या है, यू ई क्या है और वी ई क्या है। डायग्राम बन गया। अब डायग्राम की जरा इसको प्लीज ध्यान से देखो, मैग्नीफिकेशन कैसे लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपने ये ट्राइंगल लेना है,
ये फाइनल इमेज वाला, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में टेन ऑफ बीटा की वैल्यू आएगी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी डैश, ठीक है। फिर आपने ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये ऊपर वाला टेन एल्फा निकालने के लिए, तो टेन ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या आएगी ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाई ए डबल डैश सी डैश। पर आप इसकी जगह तो ए बी पुट करेंगे, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे ए बी, फिर टेन बीटा को टेन एल्फा से डिवाइड करेंगे, तो ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी कैंसल। तो ये मैंने किया हुआ है, अब चेक करें यहाँ पे। सबसे पहले इस डायग्राम में टेन बीटा लिया बड़े ट्राइंगल से तो ये रेशियो आई, टेन एल्फा लिया तो ये रेशियो आई, दोनों को डिवाइड किया तो ये वाली टर्म कैंसिल होकर ये रेशियो आ गई। तो आपके पास फाइनल क्या आया, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो क्या आई ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी आ गई। और अगर आप डायग्राम में एक चीज़ ध्यान से देख लें, ए डबल डैश बी डबल डैश पता है क्या है, हाइट ऑफ फाइनल इमेज, चेक करें डायग्राम में, ये देखो यहाँ डायग्राम में साथ साथ लिख देते हैं। तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन पता है क्या आई ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई कितनी ए बी। आपको ये तो वैसे ही लिखी जा सकती है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो वैसे भी पता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, पर मैंने टेन बीटा टेन अल्फा से शो करना है, अदरवाइज आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनल इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, क्लियर है, यही आया हुआ है। आ गया यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अब ध्यान से देखना, ये रिजल्ट यहाँ तक लिख लिया, अब इस रिजल्ट को ए डैश सी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश सी डैश से डिवाइड कर दें। तो ये लिख लें चाहे आप साइड पे, ये टर्म लिखने के बाद ए डैश सी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश सी डैश से डिवाइड साइड पे, ताकि स्टेप आपको याद रहे। चल सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ सॉरी मैं दोबारा लिख रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन है ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई क्या था अभी ए बी, राइट। इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश से डिवाइड, ये सही है, इससे करें। मैं बताता हूँ क्यों, तो इसमें इसलिए करें क्योंकि सब हाइट्स ले ली मैंने, हाइट्स, तो इसका पेयर अलग बनाएं और इसका पेयर अलग बना दें, मतलब इसको इसके नीचे ले आएं, इसको इसके नीचे ले आएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का थोड़ा इसको स्वैप कर दें इस तरीके से, ठीक है। किया हुआ है इसमें, किया भी हुआ है इसमें, देखो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ठीक क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ गया। अब ध्यान से देखना ये क्या चीज आई, ए डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, मतलब इस लेंस के लिए ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज, और ये क्या बनेगी इसकी मैग्नीफिकेशन, क्योंकि इसके लिए ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज इसकी मैग्नीफिकेशन। अब ऐसी अगर मैं बोलूं कि ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या है, अब ए डैश बी डैश इसकी इमेज है, ए बी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या बनेगा इसकी मैग्नीफिकेशन एम ओ, तो ये बनेगा एम ई, दिस बाई दिस इज एम ई, दिस बाई दिस इज एम ओ, ये देखो ये बन गया एम ई और ये बन गया एम ओ, तो डाल लो इसको बॉक्स में। टोटल मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्टिव और आई पीस की मैग्नीफिकेशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, तो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन इंटू आई पीस की मैग्नीफिकेशन इज टोटल मैग्नीफिकेशन, ये नोट करो, न्यूमेरिकल में काम भी आएगा, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, पेपर में आएगा, यहाँ तक रोके नहीं आना, और भी है आगे कंटिन्यू करना है। फिर आपने इसमें ऐसे करना है, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आया वो मेरे पास क्या आया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एम ई इंटू एम ओ, राइट, ये आया आपने लिखना है, आप भी लिख लो यहाँ पे। अब एम ई की वैल्यू एम ई आई पीस अगर ऑब्जेक्टिव ना होता तो आई पीस अकेला होता, और अगर अकेला आई पीस है तो वो मैग्नीफाइंग यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो आई पीस की मैग्नीफिकेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल ली थी किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो तो एज इट इज यूज कर ली, क्लियर है यहाँ तक। और ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन है वी ओ
डिवाइडेड बाई माइनस यू ओ, वी ओ बाई माइनस यू ओ। क्लियर है यहाँ तक? एम ई तो हमने पिछले रिजल्ट से ले लिया और ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, ऑब्जेक्टिव में वी ओ बाई माइनस यू ओ। तो आप एम ई की जगह यहाँ पुट कर दें, एम ओ की जगह यहाँ पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैग्निफिकेशन ये आएगी, और मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा हम यू को अपने आप नेगेटिव न्यूमेरिकल में पुट कर लेंगे, तो ये बॉक्स में डालो, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वी ओ बाई यू ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। वैसे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे? आधा फॉर्मूला तो सिंपल माइक्रोस्कोप का ही है, वन प्लस डी बाई एफ ई, और आधे में वी ओ बाई यू ओ यानी कि एम ओ इंटू एम ई किया हुआ है। आंसर ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट है। अब इसके अंदर कई बार किसी न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा हो जाता है वो आपको प्रॉपर यू ओ वी ओ नहीं देगा, ना वो यू ओ देगा ना वो वी ओ देगा, तो क्या होगा? तो उस केस में ये जो यू ओ है, आपने अप्रॉक्सीमेटली यू ओ को क्या ट्रीट करना है? एफ ओ। अगर उसने यू ओ नहीं दिया ना और आपको ये दे दिया, दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना है? एल। दो लेंस के बीच में डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एल। तो अगर आपने आपको उसने क्या दिया, यू ओ की जगह क्या दिया, यू ओ नहीं दिया, तो आप क्या पुट कर लें? एफ ओ। अप्रॉक्सीमेटली प्लीज, एग्जैक्टली नहीं कर सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, अप्रॉक्सीमेटली जब नहीं गिवन, काम चलाना है तो ये लेना पड़ेगा। और ऐसे केस में जो इमेज है बहुत दूर बनती है, दूर मतलब काफ़ी दूर बनेगी, काफ़ी दूर का मतलब वी ओ अप्रॉक्सीमेटली क्या लेना है? एल। यहाँ कहीं बनती है इमेज, तो ये स्पेशल केस है। अगर आपको यू ओ वी ओ नहीं दिया तो आप सिंपली क्या करें, आपको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दी हुई है तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या पुट करेंगे? आप इसको पुट करेंगे यू ओ इज क्लोजर टू एफ ओ, एंड यू ओ की जगह एफ ओ, वी ओ की जगह एल। तो इस फॉर्मूले में वी ओ की जगह वी ओ की जगह एल और यू ओ की जगह एफ ओ, ये फॉर्मूला ये रहने दे, ये देख लें सिर्फ, वी ओ की जगह एल, यू ओ की जगह एफ ओ। तो ये हाईलाइट कर लें, ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब लेंथ गिवन होगी और साथ में ऑब्जेक्ट यू ओ नहीं गिवन होगा, तो फिर एफ ओ के साथ काम चलेगा। पर ये आपको अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला देगा मैग्निफिकेशन का, एग्जैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देगा, पर काम चलाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, आपकी बुक्स यूज करती हैं इसे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनाइट डिस्टेंस है। हो सकता है पेपर में ऐसा आ जाए, तो ये फिर से इस शीट पे आ जाएं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हेन वो कहेगा इमेज को बनाओ एट इन्फिनिटी, इमेज को डी पे ना बनाओ, इमेज को कहाँ पर बनाओ? एट इन्फिनिटी। तो डायग्राम कैसा बनेगा? ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो इमेज बनाएगा अपनी यहाँ पे, यहाँ पे, इस लेंस के लिए ये यू ई एफ ई होगा, तो ये एफ ई होना चाहिए क्योंकि इस लेंस के लिए ये इमेज है और ये इमेज इसकी फोकल लेंथ पे पड़ी हुई है, तभी तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने बोला कि इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है, और इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब ये अपनी इमेज इसकी फोकल लेंथ पे बनाएगा। तो इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है, तो इमेज कहाँ पर बनानी है? एट इन्फिनिटी। बनाओ डायग्राम, डायग्राम
ठीक है, बना लिया डायग्राम। ठीक है, तो यानी कि अब आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो टाइप के हो गए। अगर पेपर में आया व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो पहले वाला डायग्राम बनेगा। अगर आ गया व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी तो ये बनेगा। इन्फिनिटी में खास बात क्या बताई, इन्फिनिटी के केस में ये देखो इधर, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, यू ओ। ये इमेज कहाँ पर बनाएगा, वी ओ, इसको तो कोई फर्क नहीं, यू ओ वी ओ। लेकिन इसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ ई, ऑब्जेक्ट यानी कि यू ई क्या हो जाएगा, एफ ई, और वी ई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रही है, एट इन्फिनिटी। चलो एक काम करते हैं, इसमें इसकी मैग्नीफिकेशन के ऊपर काम करते हैं। अब मैग्नीफिकेशन करने का ये फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप सिंपली एक काम करें, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला तो आपको आता है एम ओ इन टू एम ए, तो आप इसमें ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर, ये जो फॉर्मूला है एम ई, एम ई याद करो, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप किया, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज जब इन्फिनिटी पे बनी थी, सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी तो मैग्नीफिकेशन क्या थी, डी बाई एफ ई, यही था डी बाई एफ ई। तो आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला नोट करो, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एम ओ इन टू एम ई, मैंने एम ई की जगह क्या पुट कर लिया, डी डिवाइडेड बाई एफ ई, सही है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्या बनेगी, ये डिस्टेंस कितने है वी ओ, ये डिस्टेंस कितने है यू ओ, तो मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ, या वी ओ डिवाइड बाई माइनस यू ओ, एक ही बात है। तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनना चाहिए, माइनस वी ओ बाई यू ओ इन टू डी डिवाइडेड बाई एफ ई। इसे नोट करें प्लीज, इसे नोट करें, नोट नहीं किया हुआ वहां पे, राइट, क्लियर है। लेकिन अगर फिर से वही बात, अगर आपको यू ओ और वी ओ गिवन ही नहीं, फिर क्या करें, फिर उस केस में आप अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट निकालें, वी ओ की जगह एल पुट करें, यू ओ की जगह एफ ओ पुट करें एक बार फिर से, और इन टू डी डिवाइडेड बाई एफ ई, फिर उस केस में ये फॉर्मूला यूज करें, प्रेफर करें ये फॉर्मूला, नई बात बन रही एल गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, मैग्नीफिकेशन क्लियर है, तो पेपर में आएगा विद मैग्नीफिकेशन प्रूव हो जाएगा सारा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, अब अपनी न्यूमेरिकल शीट को ओपन करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया, सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या लिखा, एम ओ इन टू एम ए। फिर हमने क्या किया, जब अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला करवाया, और अगर बात नहीं बनती, आपको लेंथ गिवन है और आपको एफ ओ गिवन है, तो फिर ये फॉर्मूला ये रिप्लेस कर दिया, मैग्नीट्यूड ले लो कोई चक्कर नहीं, प्लस में ले लो कोई चक्कर नहीं है, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ये वैल्यू आ गई। और अगर मैग्नीफिकेशन साइन कन्वेंशन के साथ निकालना है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, सीधी तो बनती नहीं माइक्रोस्कोप में, तो मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की हमेशा नेगेटिव ही होती है, पूछता भी कोई नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछता तभी। नेक्स्ट है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ से वन प्लस हट जाएगा तो ये आंसर आ गया, और यहाँ से वन प्लस हट जाएगा तो ये आंसर आ गया, तो ये चार फॉर्मूलाज आप नोट कर लें, सही है यहाँ तक। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, क्या गिवन है, एफ ओ। आई पीस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, एफ ई, एफ ओ एफ ई दे दिया। हैज अ ट्यूब ऑफ लेंथ, ट्यूब ऑफ लेंथ का मतलब क्या गिवन है, एल, एक ट्यूब के अंदर ये लेंस लगे हुए हैं, तो ट्यूब की लेंथ का मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है, एल गिवन है 20, कहीं ना कहीं एल वाला फॉर्मूला यूज करवा सकता है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर इमेज कहां पर बन रही है, एट नियर पॉइंट ऑफ आई,
इन्फिनिटी पे नहीं कहा, नियर पॉइंट यानी कि डी पे, और डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें एल वाला फॉर्मूला यूज़ करने को कहा, तो एल यूज़ कर लें, एल की वैल्यू पुट कर दें, गिवन है एफ ओ, गिवन है एफ ई पता है, और नॉर्मल आई के लिए डी क्या होता है 25 सेंटीमीटर आंसर। तो मैग्नीफिकेशन 270 है, पर याद रहे ये मैग्नीफिकेशन अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि आपने यहाँ पर एल और एफ ओ पुट की है, वी ओ और यू ओ पुट नहीं किया। पर चलो ठीक है, एल वाले केस में आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड 5। छोटे वाला लेंस ऑब्जेक्टिव है एफ ओ, बड़े वाला लेंस एफ सी, शक्ल देख के वैल्यू देख के पता लग रहा है एफ ओ एफ सी। टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, एल निकालना है, तो लगाओ फॉर्मूला, एफ ओ पता है, एफ सी पता है, और मैग्नीफिकेशन पता है, और डी तो बाय डिफॉल्ट क्या है इसमें 25, तो पुट कर दें यहाँ से एल निकाल आंसर, फॉर्मूला तो पता ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? एल वाला देखो, जिसमें एल गिवन है एल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। नेक्स्ट, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करो, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। टोटल मैग्निफिकेशन कितनी है? 20, यानी कि एम गिवन है 20, एमओ एमई का प्रोडक्ट है, एम गिवन है 20, वाइल That produced by eyepiece alone is 5, ME पता है, M पता है, ME पता है, तो MO तो आ ही जाएगा, क्योंकि M क्या है, MO into ME, तो यहाँ से MO की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि इसमें when microscope is focused on a certain object, distance between objective and eyepiece is 14, तो जब मैंने किसी पे फोकस किया उसे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्टिव और eyepiece के बीच में डिस्टेंस 14 है, मतलब L 14 है, ऑब्जेक्टिव आई पीस के बीच में डिस्टेंस को L बोलते हैं, L 14 है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, अगर लीज डिस्टेंस 25 की जगह कहता 20 है, तो इन्फिनिटी पे वाला केस नहीं है, नॉर्मल केस है ये, तो नॉर्मल केस में कैपिटल डी कह रहे हैं 20 है, तो क्या निकालना है? फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, आपको एफ ओ एफ ई निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, एम पता है, एम ई पता है, डी पता है, और बस इतना पता है। अब आप इस केस में यहाँ से एम ओ तो आपने निकाल लिया, अब एक चीज़ देखते हैं, सिर्फ आई पीस को अगर हम देखें, आई पीस की फोकल लेंथ एम ई तो है हमारे पास 5, सिर्फ आई पीस को देखें, आई पीस एक्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, आई पीस की मैग्नीफिकेशन तो हमने डेरिवेशन में क्या यूज़ की थी, 1+D/FE, तो आई पीस की मैग्नीफिकेशन तो पता ही है मुझे 5 है, ये 1 है एफ ई, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 20, क्योंकि यहाँ पर लीज डिस्टेंस का केस 25 नहीं है 20 है, तो 20 लेके एफ ई आ गया, एक आंसर आ गया एफ ई।
तो फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल लिया एफ ई ओनली आई पीस का, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, अब एफ ओ निकालना है, मेरे को एफ ओ निकालना है। अब एफ ओ निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका एफ ओ निकालने का, मेरे को लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस मुझे निकालना है। मैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एल मुझे निकालना है। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं एम यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक आ गया था। तो अब मैंने एक काम किया, साइड में जब मैंने लिखा तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मेरे को याद आया ऑब्जेक्टिव लेंस की जो एम ओ की वैल्यू है वो आज हमने क्या की थी, प्लस वी ओ बाई माइनस यू ओ, है ना, एक तरफ वी ओ एक तरफ यू ओ, यही है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव की तो हमने निकाल ली ऊपर से कितनी, फोर, ये तो फोर मुझे पता ही है। तो अगर आप मुझे यू ओ बता दो, आप मुझे वी ओ बता दो, तो मैं लेंस के फॉर्मूले से यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करूँगा और अपना आंसर निकाल दूंगा। फोकल लेंथ आ जाएगी मेरे पास, अगर आप मुझे यू ओ दे दो वी ओ दे दो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन साथ ही मेरे माइंड में एक और चीज़ आई कि वो एल पूछ रहा है, और अगर वो एल पूछ रहा है तो मैं एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ। अब मैंने कहा एल वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, अब एल वाला फॉर्मूला कौन सा करवाया था कि जो टोटल मैग्निफिकेशन है एम उसकी वैल्यू क्या करवाई थी, वैसे तो ये मैग्निफिकेशन थी वी ओ यू ओ वन प्लस कितना था डी डिवाइडेड बाई एफ ई, यही था ना, वैसे तो ये फॉर्मूला था टोटल मैग्निफिकेशन का। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे को तो एल वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं वी ओ की जगह एल यूज कर लेता हूँ, यू ओ की जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एफ ओ, और यहाँ पे वन प्लस डी बाई एफ ई में मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ मेरा क्या आंसर आ रहा है। देखो मेरे पास फॉर्मूला तो है ही मेरे पास, तो मैंने एम की जगह क्या यूज किया, टोटल मैग्निफिकेशन कितने गिवन है 20, एफ ओ मुझे निकालना है, डी इसमें 20 है और एफ ई की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 5। जरा प्लीज सॉल्व करके बताना एफ ओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ एफ ऑफ ओ कितना आ रहा है यहां से, एल 14 है, हाँ 14 है, सॉरी एल 14 है, 14 सेंटीमीटर, नहीं एल तो निकालना है मेरे ख्याल से, सॉरी इसमें 14 है क्या, कितना एल कितना गिवन है, नहीं एल निकालना है ना इसमें, हाँ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस तो एल होता है ना, तो एल तो निकालना क्या इसमें, अच्छा ठीक है एफ निक, ओके ठीक है एफ ओ निकालना, ठीक है तो लो 14 पुट करके निकालना क्या आ रहा है, आप चेक करना, थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है, चेक करना, और मेरी शीट में आंसर फाइनल भी क्या आ रहा है, चेक करना 3.5 ही है। तो ये शॉर्टकट लिख लो प्लीज, ये लिख लो, उसे मत करना, मैं बताता हूँ समझाता हूँ वो है क्या, वो भी समझाता हूँ, पहले ये लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं करने जा रहा हूँ, आप पहले ये लिख लो, अब ये यूज करना शॉर्टकट फॉर्मूला, ये अप्रोक्सीमेट है, देखो ये सही तरीका नहीं है, हाँ ठीक है बुक्स यूज करती हैं एल वाला फॉर्मूला, पर है तो वो अप्रोक्सीमेटी, मैं तुम्हें एग्जैक्ट निकाल के दिखाता हूं कैसे करना है, मैं वी ओ और यू, वी ओ और यू ओ ही निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, मैं अप्रोक्सीमेट पुट ही नहीं करूंगा कुछ भी, मतलब ये टेक्निक हो सकता है कभी काम आ जाए, इसलिए वैसे तो काम चल ही रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो मैंने इस क्वेश्चन को वैसे ऐसे किया,
मेरे को क्लिक नहीं किया यार वो फॉर्मूला, मैंने सोचा ही नहीं कि एल वाला फॉर्मूला, वैसे हर क्वेश्चन में एल वाला फॉर्मूला चलता है, तो मैंने ना ऐसे कर दिया, इसे यहाँ तक तो एफ ई आ गया था, तो मैंने कहा देखो जो एम ई है, जो एम ऑफ ई है आई पीस, वो वी ई बाई यू ई है, तो यहाँ से मैंने मैग्निफिकेशन 5 फुट की, वी की वैल्यू 20 है, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, लीज डिस्टेंस के ऊपर, 25 की जगह क्वेश्चन में 20 की बने, मैंने 20 फुट किया, मैंने यू ही निकाल दिया, यू ऑफ ई कितना आ गया 4। अब देखो, अब दिमाग में सोचो 1 मिनट के लिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है, ऐसे ही है, और मुझे पता है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 14 है, मैंने क्या निकाल दिया, इसने ऑब्जेक्ट यहां बनाया, इसकी इमेज यहां पर आई, तो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने यू ई निकाल दिया, और यू ई की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली 4, चेक कर लो, यू ई 4 आ गया, अगर यू ई 4 आ गया तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 10, टोटल 14 है, ये डिस्टेंस कितना आ गया 10 आ गया। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए वी ओ का मतलब कितना है 10, चेक कर लो, ऑब्जेक्टिव के लिए वी ओ की वैल्यू कितनी है 10, सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें? और मैग्निफिकेशन जो होती है ऑब्जेक्टिव की, वो क्या होती है, वी ओ बाई यू ओ, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की चेक करना कितनी थी, ऊपर से कितनी आई थी, निकाली थी अभी शीट के ऊपर, यहां पे देखो 4, 4 इज इक्वल टू वी ओ कितना है 10, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, यू ओ की वैल्यू आ गई 10/4, यानी कि 2.5। अब देखो कमाल की चीज, यू ओ मैंने निकाल दिया, यू ऑफ ओ मैंने निकाल दिया, यू ओ वी ओ मुझे पता है, अब मैं लेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1/FO इज 1/VO माइनस 1/UO, मेरे को लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए ही नहीं है, मैंने 1 मिनट में फोकल लेंथ लेंस के तरीके से निकाल दी, सही है तरीका, कभी फंस फंसा गए ना तो कम से कम ये भी टेक्निक है आपके पास, आप ज्योमेट्री को यूज करके कहीं ना कहीं वी ओ और यू ओ को निकाल सकते हो, और मैंने यही किया, और चेक करो, चेक करने पे मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 3 पॉइंट नहीं अप्रोक्स, मेरा तो बिल्कुल सही 3.5 ही आया, पर कोई बात नहीं, सारी बुक्स एल वाला फॉर्मूला यूज करती हैं, तो एल वाला फॉर्मूला यूज कर लो, पर अगर कहीं फंस गए और नहीं बात बनी और आंसर ना आया, तो फिर ये टेक्निक जरूर याद में रखना, क्योंकि ये तो आपको एग्जैक्ट आंसर देने वाला है, ठीक है यहाँ तक? तो इसके ऊपर का एक क्वेश्चन था, ये रहा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव 5 एंड 1, एफ ओ एफ ई गिवन है, लेंथ ऑफ द ट्यूब भी गिवन है, कितनी 20, एल भी पता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जब इमेज कहाँ पर बन रही है एट इन्फिनिटी, चलो ये तो बिल्कुल ही केस क्लियर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर इसका ना ये क्या चक्कर है, देखो इसके अंदर इसका शायद पेज ऊपर नीचे लग गया लगता है, देखो इसके अंदर, अब देखो ना एक प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, अब देखो कहाँ फर्क पड़ने वाला है, क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ऑब्जेक्टिव वो आपको दे रहा है, चलो मैं लिख लेता हूँ, मेरे को एफ ओ दे रहा है, मेरे को एफ ई भी दे रहा है, एफ ओ कितना है 5, एफ ई कितना है 1, चलो एफ ओ और एफ ई दे दिया उसने, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? आगे लेंथ ऑफ द ट्यूब भी दे रहा है, एल कितना दे रहा है 20, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है जब इमेज कहां पर है इन्फिनिटी, बोलो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी पे वी नॉट यू नॉट डी बाय एफ ई, यही फॉर्मूला था ना, पहला फॉर्मूला तो यही पुट करेंगे, कोशिश तो यही करेंगे कि एक्यूरेट आंसर आए और अप्रोक्सीमेट ना आए, तो ये फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले में कैपिटल डी की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट कितनी है 25, एफ ई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कितनी है 1, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को वी नॉट और यू नॉट नहीं पता, अगर वी नॉट यू नॉट पता होता मेरा आंसर आ जाता, तो मैं इसमें दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं ये फॉर्मूला ही मॉडिफाई कर दूं, वी नॉट की जगह क्या पुट कर लूं एल, और यू नॉट की जगह क्या पुट कर लूं एफ ओ इंटू 25/1, और फॉर्मूले में एल को क्या पुट कर लूं, एल कितना गिवन है इसमें 20, एफ ओ की वैल्यू कितनी गिवन है 5 और इंटू 25, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ रही है,
ये कट गया 5, 5 इंटू 20 100, आंसर क्या आ रहा है चेक करना। चेक कर लेते हैं कितना 80 आ रहा है। ओके 80 आ रहा है, पर उसने गिवन क्या, उसने कहा कि चलो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव है तो मैं रिस्पेक्टिवली है तो फिर मुझे ऐसे यूज करना पड़ा। कोई बात नहीं, रिस्पेक्टिवली है तो मैं एज इट इज यूज करूंगा। कितना आ गया आंसर यहाँ से 100, कितना आ रहा है 80। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हुई, वैसे तो ये ठीक की है, गलत थोड़ा ना की है। एल वाला फॉर्मूला है जिसमें एल गिवन होता है उसमें यूज कर सकते हैं, बट जब मैंने इसको एक्यूरेटली सॉल्व किया, एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे को ये पता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वी ओ यू ओ इन टू डी बाई एफ ई यूज करना है मुझे। अब मेरे को पता है कि दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना होता है एल, जो कि कितना गिवन है 20। और मुझे ये भी पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला वो कितने डिस्टेंस पे है, यू ई, ये यू ई आपको पता ही है। अब एक चीज देखो, इसमें आपको टोटल लेंथ इसमें 20 गिवन है और फोकल लेंथ की वैल्यू पता है, और ये जो डिस्टेंस यू ई होता है यही तो एफ ई होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकल लेंथ भी पड़ा होता है। अब एफ ई की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी, 1। अगर ये 1 है तो ये डिस्टेंस नहीं, 1 है कि 5 है, 5 है, 5, तो ये डिस्टेंस 20 में से 5 गया, कितना आया 15। तो मैंने वी ओ निकाल दिया, वी ओ की वैल्यू कितनी है 15। आप ध्यान से देख रहे हो, मतलब एल की हेल्प से मैं वी ओ निकाल सकता हूं हमेशा, आपने चीज नोट की। तो मैं एल की हेल्प से क्या निकाल दिया मैंने, वी ओ, ये ना पेज मिस थोड़ा गलत हो गया, इसके बाद सॉल्यूशन ये नहीं है, यहां से स्टार्ट है। तो वी ओ कितना है 15, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 1, तो तुम लेंस का फॉर्मूला लगा के यहां से यू ओ निकाल सकते हो। अब कमाल की चीज देखो, मैं एल वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, मैंने वी ओ और यू ओ निकाल दिया, और जब मैंने वी ओ यू ओ निकाल दिया मेरा आंसर 70 आ गया। अब ये आंसर आप गलत नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, जबकि L वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है। M 80 आ रहा है इसमें, 80 आ रहा है, ठीक है 70 आ रहा होगा यार इसमें। मेरे कहने का मतलब प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तो अब ये पंगा पड़ा हो गया, ये पंगा जो है बहुत बड़ा मेजर इशू है, मैं फॉर्मूला क्या लगाऊं अब, क्योंकि मेरे पास तो एक्यूरेट निकालने का तरीका भी है और मेरे पास तो अप्रोक्सीमेट निकालने का तरीका भी है, और मैग्नीफाइंग देखो हर जगह काम चल रहा था, मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी सी भी चेंज हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना कमाल। तो मैंने ये नोट किया है ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर वो एल वाला फॉर्मूला यूज करता है, एल वाला फॉर्मूला यूज करता है, पर जहां मैग्नीफाइंग पावर है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर 20 नहीं है 25 है, बहुत बड़ी बात है, 5 गुना और ज्यादा, तो तुम एक्यूरेट वाला फॉर्मूला यूज कर लो जब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। बाकी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो लगा के पता लग जाएगा तुम्हें, पहले छोटा लगा के देख लो, नहीं आंसर बड़ा है तो आंसर आ ही जाएगा, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्जेक्टिवली ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देती हैं, एल वाला फॉर्मूला ही है। तो मैं आपको शीट दूंगा आज करने के लिए, उस शीट में आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना, आपको पता लगेगा कि एल वाला फॉर्मूला काम करता है, ठीक। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है तो हमें वी नॉट और यू नॉट के साथ निकालनी चाहिए, वो एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसी कुछ पजल आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।